अगर आप इंजीनियर ग्रेजुएट हैं और भारतीय सेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। भारतीय सेना ने इसके लिए 140वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 140 के लिए वैकेंसी निकाल दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना ने इस भर्ती के जरिए कुल 30 पदों पर बहाली निकालने का फैसला किया है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी पाने की ख्वाहिश रखते हैं वो 9 मई तक या उससे पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके अलावा इन पदों पर काम करने में इच्छुक उम्मीदवार दिए गए इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको बता दें आखिर कौन कौन से पदों पर भर्तियां होने वाली है। सिविल पर 7 पद, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 7 पद, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4, मैकेनिकल के लिए 7, विविध इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 2 पद रखे गए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय सेना में आखिर भर्ती के लिए आपको आयु सीमा क्या रखनी ज़रूरी है, साथ ही नौकरी पाने के लिए क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। उम्मीदवार जो भी भारतीय सेना भर्ती 2024 के तहत आवेदन करने की सोच रहे हैं उनकी न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय सेना में आखिर उम्मीदवारों के चयन के बाद उन्हें सैलरी क्या मिलेगी। तो बता दें कि हर रैंक के अधिकारी के लिए अलग अलग सैलरी है। कैप्टन के लिए 61,000 से लेकर 1,93,000 तक, मेजर के लिए 70,000 से लेकर 2,00,000 तक, तो वहीं अन्य पदों पर भी ऐसी ही सैलरी तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन SSB साक्षात्कार के जरिए होगा। इसके लिए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर केवल शॉर्टलिस्ट किए गए योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू किसी एक चयन केंद्र पर किया जाएगा। तो अगर आप भी इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द अपना आवेदन प्रक्रिया पूरा कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।